सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन क्लास 10 यूट्यूब चैनल पे। यार आप आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और 15 मिनट शॉर्ट्स का ये है वीडियो नंबर 5 और स्पेशली ये वीडियो क्लास 10 2023 बैच वालों के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, काफी ज्यादा हेल्प करेगा। हम माइंड मैप हमारे कंपनी के थ्रू ये माइंड मैप बनाया गया है और ये माइंड मैप से मैं आपको ये पूरे पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने आ रहा हूं। मैं इस माइंड मैप में ना मैं कोशिश किया हूं कि सारे पॉइंट्स को कवर अप भी करें और कम से कम टाइम में आप चीजों को रिवाइज भी कर पाएं। एग्जाम के टाइम बहुत कम टाइम बचा हुआ एग्जाम के एग्जाम आने में, और इस टाइम पे ऐसे वीडियोस या ऐसे कंटेंट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं चीजों को और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। ठीक है, तो लेट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए देखते हैं। यार चैप्टर स्टार्ट होता है न्यूट्रिशन से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम न्यूट्रिशन को समझ लेते हैं कि भाई न्यूट्रिशन है क्या। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि हमें और अच्छे से चीजें दिखे। तो क्या होता है न्यूट्रिशन? प्रोसेस ऑर्गेनिज्म का ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को इंटेक करता है और उस फूड को जो उसने इंटेक किया है उसको यूटिलाइज करके एनर्जी डेवलप करता है अपने बॉडी में, दैट इज द न्यूट्रिशन। ठीक है, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो टू टाइप्स के होते हैं। एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और एक को हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जरा हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को जरा देख लेते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहे हो, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसे को ऑटोट्रॉपिक कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट विच आर ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प से वो अपना खाना बनाते हैं। इन दिस प्रोसेस CO2 एंड वाटर टेकन फ्रॉम आउटसाइड विल कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल 2। ठीक है, CO2 और वाटर, सॉइल से वाटर और न्यूट्रिशंस ले लेते हैं, एटमोसफेयर से CO2 लेते हैं और सनलाइट की हेल्प से है ना वो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और एंड क्लोरोफिल के थ्रू वो अपना खाना वगैरह रेडी करते हैं। ठीक है, अब इसका इक्वेशन क्या है? इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन याद कर लो। ठीक है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस का 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स C6H12O6। ये आपका एक तरीके कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज हो गया, ऑक्सीजन और वाटर। ठीक है, तो प्लांट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को लिया, उससे उसने कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाया जिस जो खाना प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन जो वो प्लांट हमें प्रोवाइड करता है और वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर बाहर निकलता है। ठीक है, तो द मेन इवेंट विच आर कैरिड आउट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या क्या चीजें होती हैं, जब मेन इवेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो देखो, इनिशियली सनलाइट विल बी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। पत्तों के ऊपर जो क्लोरोफिल्स होते हैं ना वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से ग्रीन कलर्स पत्तों में दिखता है। देन लाइट एनर्जी, जो लाइट पड़ा क्लोरोफिल पे तो वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी, एंड ऑल्सो वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस इंटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वाटर मॉलिक्यूल टूट जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, क्लियर है। फाइनली CO2 गेट रिड्यूस इंटू कार्बोहाइड्रेट और उससे रिएक्ट करके CO2 और ऑक्सीजन रिएक्ट करके बनाएंगे क्या? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि भाई साइट क्या है फोटोसिंथेसिस के, साइट्स ऑफ कहां होता, कहां है फोटोसिंथेसिस। तो द ग्रीन डॉट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, प्लांट पत्ते हैं ना, पत्ते के ऊपर छोटे छोटे डॉट्स दिखते हैं जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, एंड विच कंटेन, जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं विच प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नाउ स्टोमेटा भी जो पत्ते होते हैं पत्ते के ऊपर पाए जाते हैं। तो आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स के ऊपर होता है। इसका काम क्या होता है स्टोमेटा का? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे ऑक्सीजन को CO2 को इंटेक करना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना, स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट सांस लेता है कहा जाए एक तरीके से। लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन मेथड के दौरान ये वाटर वेपर भी आउट करता है। तो हम कह सकते हैं कि स्टोमेटा CO2 को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेता है प्लांट, और फिर वाटर वेपर और ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू प्लांट से बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस को लेके। अभी हम जरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस की कुछ चीजें देख लेते हैं।
So the types of nutrition will be different on the basis of its type, availability and how it is obtained by the organism. Heterotrophic nutrients मतलब ऐसे organism generally जो अपना खाने के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग तरीके से निर्भर होते हैं इसलिए इनको अलग अलग तरीके से नाम भी दिया गया है। जैसे द ऑर्गेनिज्म फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड ईस्ट एंड मशरूम ब्रेक द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। आउटसाइड ही बॉडी के आउटसाइड ही वो फूड को ब्रेक डाउन कर देंगे एंड देन एब्जॉर्ब करेंगे। वहीं पे हम बात करें अदर ऑर्गेनिज्म हो गए जो अपने पेट के अंदर मतलब अपने बॉडी के अंदर फूड को ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे हम इंसान जानवर वगैरह, ठीक है। अब देखो हाइटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। होलोजोइक यानी एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, जैसे अमीबा एनिमल्स हम इंसान हो गए, ठीक है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिएंट्स मतलब ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर, मरे हुए सड़े हुए चीजों पे बैठ के खाना, ठीक है। जैसे एग्जांपल फंगस हो गया, ईस्ट हो गया, ये सारी। एंड द पैरासिटिक न्यूट्रिएंट्स इनको होस्ट खाया, दूसरे की बॉडी पे चिपके रहेंगे और उनसे खाना चुराएंगे। पैरासिटिक लाइव इनसाइड और आउटसाइड अदर ऑर्गेनिज्म लाइक होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, एग्जांपल कैस्कोटा और या टिक्स जुएं, जो हमारे सर में बालों में जो जुए आ जाते हैं ना, वो भी एक तरीके का पैरासिटिक ही हो गए। या जो ठंडियों के टाइम पे पेड़ पौधे पे ग्रीन ग्रीन तरीके का आप देखते हो ना पैरासिटिक प्लांट का स्कुटा, जिसको अमरबेल कहा जाता है, ये सारे हो गए, ठीक है। अब अमीबा किस तरीके से अमीबा अपना खाना खाता है, तो देख सकते हो ये है एक अमीबा जिसका न्यूक्लियस और फूड यहाँ पे फूड रखा हुआ है। अमीबा क्या करेगा, जैसे उसको फूड सेंस होगा ना, वो अपने स्यूडोपोडिया को एक्सटेंड करेगा और उस फूड को कैप्चर कर लेगा। उसके बाद फूड वैक्यूल अपने अंदर बना लेगा जिसके अंदर वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है और इस तरीके से वो फिर बाहर निकाल देगा। तो ये कुछ प्रोसेस है अमीबा का। स्यूडोपोडिया एक्सटेंशन होगा, फूड को कैप्चर करेगा, फूड को अपने अंदर लेगा, फूड वैक्यूल बनाएगा, फूड को डाइजेस्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, अनडाइजेस्टेड फूड को अपने सरफेस के थ्रू बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये अमीबा का है। वहीं पैरामीशियम देखा जाए तो पैरामीशियम सीलिया प्रेजेंट ऑल, उसके पैरामीशियम देखो आप देख सकते हो इनके बॉडी पे ना छोटे छोटे हेयर्स होते हैं जिनको सीलिया कहा जाता है, ठीक है। ये सीलिया के थ्रू फूड को मूव करके एक पर्टिकुलर स्पॉट से खाने को अंदर लेते हैं, एट ए स्पेसिफिक स्पॉट। सीलिया प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी टेक इन फूड को लेते हैं एट स्पेसिफिक, हर जगह से नहीं, उनकी बॉडी में एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है वहीं से वो खाना इंटेक कर पाते हैं। बट अमीबा अपने पूरे बॉडी पूरे सरफेस से खाना कैप्चर कर सकता है। क्लियर हो गया? तो गाइस 7 मिनट तो लग गए मुझे यही पेज एक्सप्लेन करने में। नेक्स्ट हम समझते हैं न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बींग्स। तो न्यूट्रिशंस जनरली न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बींग्स देखेंगे रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन अब हम देखने जा रहे हैं। चलिए थोड़ा सा जूम करते हूं मैं इस चीज को यहां पे। तो न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम लोग स्टडी करने वाले इस टॉपिक में। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी माउथ से खाना आया, ऑसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है खाना, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर खाना एनस के थ्रू बाहर, अनडाइजेस्टेड, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स आर कॉम्प्लेक्स एनिमल विच हैव अ कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल होता है और कुछ सम एसेसरी एलिमेंट्री कैनाल यानी इस पूरे को ना पार्ट को एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, ठीक है। और इसके एसेसरीज जैसे लीवर पेनक्रियाज स्टमक ये सब इसके एसेसरीज हो गए, क्लियर है। अब देखो हम जो खाना खाते हैं माउथ से हमने खाया तो माउथ से हम क्या करते हैं इंटेक ऑफ होल, पूरे के पूरे फूड को हम माउथ से इंटेक करते हैं। टीथ का काम क्या होता है, चुइंग स्लैश ग्राइंडिंग ऑफ फूड, चुइंग करना या फूड को ग्राइंडिंग करना। टंग का काम क्या होता है, फूड को रोल करना और फूड को टेस्ट करने का काम। और हमारे माउथ में सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, है ना, जो हेल्प करते हैं स्लोइंग और पुशिंग, फूड को निगलने में हेल्प करते हैं उसको ग्रीस प्रोवाइड करके। और म्यूकस भी होता है हमारे माउथ में, ठीक है। तो होता क्या है कि हमारे माउथ में ही कुछ खाना पचना स्टार्ट हो जाता है, ठीक, डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जो खाना इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च है ना, वो सेलेवरी एमिलीज, सेलेवरी ग्लैंड जो खाने को पचाने लगता है उसको बोलते हैं एमिलीज, हमारे माउथ में होता है। ये सेलेवरी एमिलीज क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं उसे स्टार्च को माल्टोज यानी सुगर में कन्वर्ट कर देता है, क्लियर है। अब हम खाना सेलेवरी ऑसोफेगस के थ्रू, ऑसोफेगस यानी हमारा जो ये पार्ट था ये देख सकते हो आप डायग्राम में, ऑसोफेगस के थ्रू वो खाना हमारे स्टमक तक आएगा। ऑसोफेगस टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिस्टलेटिक मूवमेंट, ऐसे ऐसे करते हुए खाना नीचे की तरफ आएगा, उस मोशन को पेरिस्टलेटिक मूवमेंट कहते हैं। खाना किस तरीके से ऑसोफेगस में जाता है, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट के थ्रू,
क्लियर है ना। खाना स्टमक में आ गया, अब स्टमक की स्टोरी समझते हैं। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं। तीन टाइप के गैस्ट्रिक जूस बनेंगे, पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस। अब पेप्सिन एंजाइम डेट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। पेप्सिन एचसीएल का काम होता है मिक्स मीडियम, एसिडिक मीडियम बनाने में काम करता है ताकि पेप्सिन वर्क कर पाए। एचसीएल जब एचसीएल क्या करेगा, खाने को एसिडिक करेगा जिसकी वजह से पेप्सिन अच्छे से काम कर पाएगा खाने पे और प्रोटीन को एब्जॉर्ब ब्रेक डाउन कर पाएगा। म्यूकस भी होता है। अब पेट में एचसीएल है तो बड़ा खतरनाक, पेट हमारा जल सकता है, तो एचसीएल से बचाने के लिए म्यूकस जो होता है प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एचसीएल से जलने से बचाता है। ये तीन गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं हमारे स्टमक में, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब खाना हमारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। इनिशियल एंजाइम्स जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो ग्लूकोज में बदल जाएंगे, फैट जो होंगे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाएंगे, और प्रोटीन्स जो होंगे ना वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है, स्टमक के अंदर ये सारी चीजें, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारी चीजें होगा। कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में बदल जाएगा, फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स हैं अमीनो एसिड में बदल जाएंगे। जब ये ऐसे हो जाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसको हम विलाई कहते हैं। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन टू द ब्लड, वो फूड में से ये सारी चीजें एब्जॉर्ब करके ब्लड तक भेजेगा, ठीक है। स्मॉल उसके बाद रिसीव सिक्रेशन। अब जब वो खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा होगा ना, उस दौरान लीवर जो है ना वो बाइल जूस रिलीज करता है। इसका काम क्या होता है, लार्ज फैट ग्लोबुल्स जो है ना वो स्मॉल फैट में कन्वर्ट। ये बाइल जूस का काम क्या होता है, जो खाने में जो लार्ज फैट ग्लोबुल्स हैं, इमल्सिफिकेशन होता है जिन्हें इमल्सिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, लार्ज फैट को ना स्मॉल फैट में कन्वर्ट कर देता है छोटे छोटे स्मॉल फैट के टुकड़ों में, इसको इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। वहीं पे पैनक्रियाज जो है वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। इसमें दो टाइप के पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, एक को ट्रिप्सिन कहते हैं जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, और एक लाइपेज होता है जो फैट को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हो गया। इसके बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड जो होंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें से एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस। इसी प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। इस तरीके से खाना हमारा बाहर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको डाइजेस्टिव सिस्टम तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, सांस कैसे लेते हैं हम उसको समझते हैं। तो पहले तो ये फोटो देख लो, नेसल कैविटी, यहाँ से हमारे फर्निक्स लर्निंग्स, फिर हमारा ये ट्रकिया, ट्रकिया से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स से ब्रोंचाई, सॉरी ट्रकिया से ब्रोंचाई और ब्रोंकियाचाई से ब्रोंकियोल्स, और उससे लास्ट पे एल्वोली लगे रहते हैं, ये तो पता ही होगा। अब देखो वन बाय नॉस्ट्रिल, नाक का काम क्या होता है, एयर इज टेकन इन टू द बॉडी, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर से जो हमारे बॉडी में एयर आता है वो नॉस्ट्रिल के थ्रू हो गया आता है, ठीक है। नेसल पासेज, अब हमारे नाक में एयर चला गया है, तो इट इज अ चैनल फॉर एयर फ्लो थ्रू द नोज, एक चैनल बना होता है जिसके थ्रू एयर हमारे नाक से होते हुए हमारे क्या बोलते हैं फर्निक्स लर्निक्स के पास जाएगा। नेसल कैविटी, इट इज लाइंड विथ हेयर्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारे नाक में ना हेयर्स और म्यूकस मेम्ब्रेन्स होते हैं। इट वॉर्म्स बिफोर इट रिचेस द लंग्स, जो एयर है ना उसको थोड़ा गर्म कर देता है ये, ठीक है। और जो भी डस्ट पार्टिकल्स एयर वगैरह में होते हैं वो हेयर फिल्टर कर देता है, और म्यूकस में वो सारे डस्ट चिपक जाते हैं, है ना, और बाकी गर्म हवा हमारे बॉडी में जाता है। नहीं, फर्निक्स का काम क्या होता है, इट कंटेन रिंग ऑफ कार्टिलेज विच एंश्योर दैट द एयर पासेस डज नॉट कोलैप्स। अब फर्निक्स का काम क्या होता है, जब एयर हमारे जाता है ना फूड पाइप और ओसोफेगस और जो हमारा एयर पाइप है वहां पे हड्डियों का कार्टिलेज रिंग्स बने होते हैं जो हमारे उसको कोलैप्स होने से बचाता है, ठीक है, एयर पास। एंड लर्निंग का, इट होसेस द वोकल कॉर्ड, जब हवा लर्निंग से पास करता है ना और हम जोर लगाते हैं तो उससे हम बोल पाते हैं, इसको वोकल कॉर्ड या वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। क्लियर है। ट्रकिया का काम, अब हवा हमारा ट्रकिया में जा चुका है, ट्रकिया में, ये रहा ट्रकिया में जा चुका है। ट्रकिया, फर्निक्स स्प्लिट इंटू ट्रकिया एंड ईसोफेगस, इट कनेक्ट द लर्निंग्स वॉइस वॉक्स को कनेक्ट करता है टू द ब्रोंकी ऑफ लंग्स। तो ट्रकिया ब्रोंकाई से कनेक्ट होता है। इट प्रोवाइड एयर फ्लो टू एंड फ्रो फ्रॉम द लंग्स फ्रॉम द रेस्पिरेशन, उसी के थ्रू हमारे एयर ऑक्सीजन अंदर जाता है और CO2 भी ट्रकिया के थ्रू बाहर आता है। ये ट्रकिया हमारे ब्रोंकाई से कनेक्ट होते हैं। ब्रोंकाई क्या है, दे आर द मेन पासेज इन टू द लंग्स में जाने का, यही सबसे पहला पासेजेस है, इसी के थ्रू होते हुए हवा हमारे लंग्स में जाता है। दे आर द एक्सटेंशन ऑफ विंड पाइप दैट शटल एयर लाइक ऑक्सीजन और CO2 हमारे बॉडी में इन और आउट होता है। द ऑक्सीजन गोज टू द लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव द लंग्स थ्रू देम।
ऑक्सीजन जाता है और CO2 बाहर आता है, ठीक है। इसके बाद ब्रोंकियोल्स, छोटे पतले पतले ब्रोंकियोल्स गेट स्मॉलर, है ना, ब्रोंकाई गेट स्मॉलर व्हेन दे रिचेस क्लोजर टू द लंग टिश्यू, और उसी को ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। ब्रोंकाई, ट्रकिया, ब्रोंकाई एंड देन ब्रोंकियोल्स, दे आर पासेज वे बाय विच एयर पासेज थ्रू द नोज और माउथ से जो एयर आया है उसको एल्वोली तक पहुंचाता है, ठीक है। एल्वोली क्या काम होता है, दे आर स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एल्वियोली, कहा जाता है इनको एल्वियोली, ठीक है। दे अलाउ ऑक्सीजन एंड CO2 टू मूव बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम, हमारे हर एल्वोली पे ब्लड स्ट्रीम्स होते हैं, तो एल्वोली में जो ऑक्सीजन आता है उस ऑक्सीजन को ब्लड तक पहुंचाना और ब्लड जो हमारी बॉडी से आ रहा है CO2 लेके उस CO2 को वापस से लंग्स में भेजने का काम एल्वोली ही करता है, ठीक है। अब एल्वोली में ब्लड कैपिलरीज होंगे, दे आर द साइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम से ऑक्सीजन आना और ऑक्सीजन को ब्लड स्ट्रीम में भेजने का काम कैपिलरीज करता है, क्लियर है। तो आई होप आपको ये पूरा हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। अब जो हमने खाना खाया है, ठीक है, अब हम जब खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, तो ग्लूकोज वेरियस अलग अलग तीन तरीके से ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी बॉडी नहीं, जनरली ग्लूकोज को थ्री टाइप्स में ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, ठीक है। तो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल से बना होता है, साइटोप्लाज्म में, हमारे जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है वहां पे जाके 6 कार्बन ग्लूकोज जो है ना टूट के पायरुवेट और एनर्जी में बदल जाता है। अभी जो पायरुवेट है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स वाला, ये तीन तरीके से टूटेगा, इन ईस्ट, ईस्ट के अंदर ये बिना ऑक्सीजन के इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इथेनॉल 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से जैसे हमारे मसल्स में लैटिक एसिड और एनर्जी बनेगा, लैटिक एसिड यानी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स वाले, जिसकी वजह से हमको अचानक से दौड़ लेते हैं तो हमारे मसल्स में दर्द होने लगता है ना, यही लैटिक एसिड की वजह से। और तीसरा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये क्या करता है, इस पाइरुवेट को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलेशन सिस्टम हमारा हार्ट का, तो हार्ट का डायग्राम देख लीजिए, ठीक है, ये पूरा डायग्राम हार्ट का। अब हार्ट में देखिए काम कैसे करता है, द लंग्स सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ठीक है। जो लंग्स है वो क्या करता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट, हमारे लेफ्ट एट्रियम में भेजता है, ठीक है। अगर आप भूल गए तो ये हमारा लेफ्ट, लेफ्ट ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम है, नीचे वाला ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो एट्रियम से हमारा ब्लड, लंग्स से हमारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, वहाँ से राइट एट्रियम में जाएगा और फिर एओर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में, क्लियर है। तो द, देखो, द लंग्स सप्लाई ऑक्सीजन रीच ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम टू द हार्ट, नाउ द लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड, को कलेक्ट करेगा एंड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द ब्लड इज ट्रांसफर टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे वाले में भेजेगा, द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड करेगा एंड देन पंप करेगा ब्लड को, और वो ब्लड जो है वो बॉडी, लंग्स से बाहर आएगा और पूरे बॉडी में जाएगा विद द हेल्प ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऑर्टा की हेल्प से बाहर निकलेगा। नाउ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी, अब बॉडी में गया है ना, बहुत सारे सेल्स को ऑक्सीजन दिया और वहां से CO2 लेकर ब्लड आया वापस हमारे हार्ट में। अब हमारे हार्ट के अपर चैम्बर राइट एंट्रियम में आएगा और फिर राइट एंट्रियम से ब्लड नीचे राइट वेंट्रिकल में जाएगा और फिर वेना केवा के थ्रू वो जो है लंग्स में चला जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस तरीके से हमारा क्या होता है, हमारा सर्कुलेशन सिस्टम वर्क करता है। आई होप ऊपर ऊपर से चीज़ें समझ में तो आ गई होंगी आपको, बाकी आप कुछ शब्द यहाँ टर्म्स लिखें, इसको पढ़ोगे तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है, थोड़ा सा ब्लड के बारे में देख लेते हैं। ब्लड हमारा, देखो ब्लड जो है तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड ब्लड में जनरली ब्लड दो टाइप का होता है, सॉलिड और लिक्विड, है ना। सॉलिड में रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ये तीन चीज होते हैं, ठीक है। अभी जरा मैं जूम करता हूँ इसको ताकि अच्छे से समझा पाऊँ। रेड ब्लड सेल को देखो, रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड CO2 एंड ऑल्सो कंटेन हेमोग्लोबिन विच इम्पार्ट रेड कलर ऑफ द ब्लड। रेड कलर क्यों होता है, हेमोग्लोबिन की वजह से, हेमोग्लोबिन कॉप्स्यूल्स होते हैं जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं,
ठीक है, ब्लड में। नेक्स्ट है व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है, इट प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाई मतलब जर्म्स एंड बाहर के जो फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन जो जर्म्स हैं, जो बैक्टीरियाज है ना, उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है व्हाइट ब्लड सेल। और तीसरा है प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेट हेल्प ब्लड क्लोटिंग ड्यूरिंग इंजरी। जब हमको कहीं कट वगैरह लग जाता है तो खून निकलने लगता है ना, कुछ देर बाद खून बंद हो जाता है, क्यों, क्योंकि जो प्लेटलेट्स है वो आकर वहां पे क्या करता है, क्लॉटिंग बनाता है, जिसकी वजह से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है बॉडी में, तो अगर कहीं कट वट लगेगा तो ब्लड रुकने का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि क्लॉटिंग नहीं होगी वहां पे। क्लियर है। अब हम लिक्विड वाले पार्ट की बात करते हैं, जो लिक्विड कंपोनेंट हमारे ब्लड में होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड, अबाउट 55% ऑफ अवर ब्लड इज प्लाज्मा एंड रिमेनिंग 45% आर रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो एक लिम्फ होता है, लिम्फ भी हमारे बॉडी में एक अलग आर्टरी और वेन के अलावा एक लिम्फ की भी एक सर्किट हमारे बॉडी में रहती है। ठीक है, इट इज येलोइश फ्लूइड विच एस्केप फ्रॉम ब्लड कैपिलरी इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, है ना, जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट हमारे इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब किया है उसको जो ड्रेन्स होते हैं उसको लेकर एक्स्ट्रा एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड में वापस भेजता है। जब कैपिलरीज इतने पतले होते हैं वहाँ पे जब ब्लड पास होता है ना, तो कैपिलरीज कभी कभी हाई प्रेशर की वजह से फटते हैं, तो वहाँ से जो एक्स्ट्रा ब्लड्स वगैरह है ना वो लिम्फ उस ब्लड को कलेक्ट करके वापस से हार्ट को प्रोवाइड करेगा। ये सारी चीज़ें का काम होता है लिम्फ का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो देर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवे इन प्लांट में। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है हमारे बॉडी में, ट्रांसपोर्टेशन तो हार्ट ब्लड के थ्रू हो गया, बट प्लांट में जाइलम और फ्लोएम की हेल्प से। जाइलम क्या होता है, देखो जाइलम टिश्यूज है, ऐसे लंबे लंबे टिश्यूज होते हैं रूट से स्टेम में। कैरीज वाटर, जाइलम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट। रूट से वाटर और जो मिनरल्स है ना वो बाकी प्लांट के सारे पार्ट्स में पहुंचाने का काम होता है जाइलम से। फ्लोएम का काम क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो खाना होता है ना फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है फ्लोएम, और जाइलम का काम होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करना। इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगता है, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई एनर्जी नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होता है, है ना, ट्रांसपिरेशन से इतने पेड़ पौधे में सनलाइट पड़ती है तो ऊपर का जो पेड़ के पत्ते का जो है ना वाटर मॉलिक्यूल्स स्टोमेटा से बाहर निकल जाते हैं गैसेस के फॉर्म में, तो ऊपर लो प्रेशर एरिया और रूट में पानी ज्यादा है, तो एनर्जी ऑलवेज गो फ्रॉम हाई टू लो ऑटोमेटिक, इसलिए कोई एनर्जी नहीं लगता है। बट वहीं फ्लोएम को फूड ट्रांसफर करने के लिए एनर्जी लगता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर हो गया। चलिए लास्ट है चैप्टर का लास्ट पार्ट, एक्सक्रीशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग, किस तरीके से खाना को हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये देख लो भाई, ये हमारा इन्फीरियर वेना कैवा और ऑर्टा है जो हमारे हार्ट से आ रहा है, ये हमारे किडनी हो गए, ये यूरेटर हो गया, और ये नीचे यूरिनरी ब्लैडर। अभी हम लोग वन बाई वन डिस्कस करते हैं। किडनी को देखो, द किडनी इज कम्पोज ऑफ मेनी फिल्टरिंग यूनिट्स, 1 मिलियन के आसपास हमारे किडनी के, एक किडनी के अंदर इतने फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं जिसको हम लोग नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन्स इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी का फंक्शनल यूनिट है, वही वर्क करता है, वही फिल्टर करता है ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालता है यूरिन के फॉर्म कन्वर्ट करके बाहर, ठीक है, ब्लड को फिल्टर करने का काम। यूरेटर का काम क्या होता है, ये जो लाइन है जो यूरिनरी ब्लैडर से ज्वाइंट हो रहा है, यूरेटर द डक्ट विच ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम द किडनी। ठीक है, ये हमारा यूरेटर हो गया। यूरिनरी ब्लैडर ये एक रिजर्वायर है जिसमें हमारा यूरिन स्टोर होता है, और यूरेथ्रा द चैनल ऑफ द एक्सटे, यूरेथ्रा से हमारा जो यूरिन है वो बाहर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पेनिस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है नेफ्रोन के बारे में जरा समझते हैं। ये देखिए नेफ्रोन का आपको डायग्राम याद होगा, ये नेफ्रोन का ग्लोमेरस होता है जिसमें ब्लड फिल्टर होता है, और उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट इस तरीके से होते हुए हमारे नेफ्रोन के इस कलेक्टिंग डक्ट में आते हैं, और फिर यहाँ से यूरेटर से होते हुए हमारे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन चला जाता है। ठीक है, तो नेफ्रोन आर मेड अप ऑफ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज जिसको हम लोग ग्लोमेरस कहते हैं। ठीक है, व्हिच इज एसोसिएटेड विद अ कप लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से बना रहा है जिसको हम लोग बोमेन कैप्सूल कहते हैं, एंड अ लॉन्ग ट्यूब विच टर्मिनेट थ्रू दिस कैप्सूल, और इसी से लॉन्ग ट्यूब जो दिख रहा है ये टर्मिनेट हो रहा है और जाकर ये कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्ट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कैप्सूल्स। ठीक है, नाउ द यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप, किस तरीके से यूरिन फॉर्म होता है
हमारे किडनी नेफ्रोन्स में। सबसे पहले देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, यहाँ पे फिल्टर होता है ग्लोमेरुलस में, जो बोमन कैप्सूल है पहले यहीं पे फिल्टर होगा। नाइट्रोजनस वेस्ट ग्लूकोज वाटर एमिनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बोमन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रोन, नेफ्रोन की बोमन कैप्सूल में ये सारी चीजें फिल्टर हो जाती है। नाउ फिर टेबुलर रीऑब्जॉर्प्शन क्या होता है, नाउ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्टर आर रीअब्जॉर्ब बैक बाय द कैपिलरीज। अब जो कभी कभी क्या होता है बोमन कैप्सूल में ना, इन सबको एब्जॉर्ब करते करते ना कभी कभी अच्छी ब्लड भी एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर उस ब्लड जो है वापस से ब्लड वेसल्स में जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस जिगजैग ट्यूब्स, ठीक है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन लास्ट में सिक्रेशन, यूरिया एक्स्ट्रा वाटर और सॉल्ट आर सिक्रेटेड इन टू द टेब्यूल विच ओपन अप टू द कलेक्टिंग डट में आके इकट्ठा हो जाता है और फिर यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। क्लियर हो गया, चलिए ये आपको क्लियर हो गया। तो आगे आर्टिफिशियल किडनी, बहुत लोगों को सुना होगा किडनी खराब हो जाते हैं, फिर कैसे वर्क करता है, तो हेमोडायलिसिस एक प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग ब्लड बाय एन आर्टिफिशियल किडनी और द एक्सटर्नल मशीन, इट इज मींट बाय किडनी फेलियर पेशेंट के लिए जनरली ये चीज यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। अब प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है, एनिमल में तो होता है, प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है, तो प्लांट एक्सक्रीट थ्रू वेरियस वे सच एज रिमूवल ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर स्टोमेटा के थ्रू, CO2 हो गया, गम रेजिन्स वगैरह भी कुछ प्लांट्स में से आपने दिखा होगा गम टाइप का निकलता है चिपचिपा सा, हो गया मिल्क, कुछ प्लांट्स से देखते हो ऑटोमेटिक मिल्क निकलता रहता है वाइट वाइट, ये सब प्लांट का एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। आई होप आप ये चैप्टर को एंजॉय किए होगे, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि लेंथी चैप्टर था, बट कोशिश किया हूँ मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने का। बाकी आप ये माइंड मैप परचेस कर सकते हो हमारी वेबसाइट edugrown.in से, डिस्क्रिप्शन में आपको पहली लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।